फिर स्वागत है एक बार आपका देसी भारत के इस महामंच पर। ये वीडियो खास तौर से भोजपुरी की एक बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड, जो अक्सर ही अच्छे से अच्छे गाने बनाती है, फिल्में बनाती है। संघर्ष 2 का फिल्म यही कंपनी कर रही है, ओनर है रत्नाकर कुमार, और इनकी बैनर तले एक गाना रिलीज किया गया है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी की दुबई स्पेशल सीरीज में से इस बार एक बेहद ही धमाकेदार और ग्लैमर से भरपूर लोकगीत पियवा दुबैया घुमावे रिलीज किया गया है, जिसमें पहली बार एक नहीं बल्कि तीन तीन अभिनेत्रियां डांस कर रही हैं गाने पर। जहां इस सॉन्ग में तीन एक्ट्रेस हैं, तो वहीं इसमें विजय चौहान, वेद शर्मा और गोल्डी जायसवाल भी इनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। सॉन्ग को ट्रेंडिंग क्वीन सिंगर शिल्पी राज ने अपनी खास शैली में गाया है। पियवा दुबैया घुमावे में सिंगर लेखक विजय चौहान ने अदाकारा अप्सरा कश्यप के साथ मिलकर दुबई की सड़कों पर गजब के ठुमके लगाए, तो वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव के साथ गोल्डी जायसवाल की जोड़ी खूब जच रही है। इसके साथ ही श्वेता महारा और वेद शर्मा भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते नजर आ रहे हैं। गाने में तीनों जोड़ियों को बराबर की जगह मिली हुई है, इसमें सभी का परफॉर्मेंस लाजवाब है। गाने में तीनों एक्ट्रेस कहती हैं, सबके पियवा दिल्ली घुमावे, कलकत्ता घुमावे, बम्बैया घुमावे, लेकिन हमार पियवा दुबैया घुमावे। इसमें दर्शकों को दुबई की एक से बढ़कर एक लोकेशन देखने को मिल रही है, वहीं गाने के म्यूजिक ने तो दिल ही जीत लिया है। गाने के बीच बीच में शिल्पी राज होने भी चार चांद लगा रहा है। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड प्रस्तुत भोजपुरी लोकगीत पियवा दुबैया घुमावे को ट्रेंडिंग क्वीन सिंगर शिल्पी राज ने अपनी मधुर आवाज में गाया। आपको बता दें कि इस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान ही शिल्पी राज के चार गानों ने 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए थे, जिसका जश्न वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के साथ मिलकर दुबई में ही मनाया भी गया था। वहीं दुबई में निर्माता रत्नाकर कुमार की भोजपुरी फिल्म पंख की शूटिंग की गई। इसके हाल ही में कंपनी थाईलैंड में खेसारी लाल यादव स्टारर भोजपुरी फिल्म संघर्ष का पहला शेड्यूल भी खत्म किया गया। आप भी जाएं इस गाने को सुने और कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।